देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर बहस छिड़ी हुई है। किसान संगठनों का कहना है कि ओपन मार्केट में फसलों का उचित दाम नहीं मिलता, इसलिए गारंटी जरूरी है। लेकिन कपास और सरसों जैसी कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिनमें किसानों को एमएसपी से अधिक दाम मिल रहा है। ओपन मार्केट में जिन फसलों का एमएसपी से अधिक दाम मिल रहा है, सरकारी एजेंसियों से उनकी खरीद का दबाव अपने आप कम हो रहा है। सरसों इसका बड़ा उदाहरण है। केंद्र सरकार के रिकॉर्ड बताते हैं कि रबी मार्केटिंग सीजन 2020-21 और 2021-22 के दौरान पूरे देश में सिर्फ 0.68 लाख टन सरसों की सरकारी खरीद हुई है, जबकि इससे पहले करीब 11 लाख टन की सरकारी खरीद हुई थी। अब किसान सरकार की बजाय व्यापारियों को सरसों बेचना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से सरसों का मार्केट रेट न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर है। वहीं कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2020-23 के लिए सरसों की एमएसपी 5,050 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। साथ ही बता दें, हरियाणा जैसे प्रमुख सरसों उत्पादक और खरीद करने वाले सूबे की सरकार का कहना पड़ा था कि वो बीपीएल परिवारों को सार्वजनिक विपणन प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत जून 2021 से सरसों के तेल की बजाय 250 रुपये प्रति परिवार प्रति माह पैसे देगी, क्योंकि राज्य की खरीद एजेंसी हैफेड के पास सरसों के तेल की कमी है। साथ ही सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर के निदेशक का कहना है कि तिलहन के उत्पादन में हम काफ़ी पीछे हैं। दूसरी ओर सेहत की वजह से लोगों में प्योर सरसों के तेल के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता बढ़ी है, खासतौर पर कोरोना काल में। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने सरसों तेल में किसी भी अन्य तेल को मिलाने पर रोक लगा दी है। इन वजहों से किसानों को सरसों का अच्छा दाम मिलता रहा। वहीं भारत में जो खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन है, वो घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थन है। भारत में खाद्य तेलों की घरेलू मांग लगभग 250 लाख टन है, जबकि उत्पादन महज 111.6 लाख टन हो रहा है। ऐसे में आयात पर निर्भर है कि मांग और आपूर्ति में ये अंतर भी सरसों के दाम में तेजी की बड़ी वजह बन है। वहीं बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार रबी सीजन 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में 18.32 लाख हेक्टेयर में सरसों की अधिक बुआई हुई है। इस साल यानी 2021-22 में 91.44 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई है, जबकि 2020-21 में इसका क्षेत्र 73.12 लाख हेक्टेयर था। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सरसों का दाम एमएसपी से ज़्यादा नहीं होता तो बुआई का रकबा इतना नहीं बढ़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।